हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग गाइस। अभी हम हैं पटना में, पटना मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना एक गाड़ी बुक किया है, बलेनो नेक्सा ब्लू, जो देखने के लिए हम लगाए हैं, क्योंकि उसके डिलीवरी में अभी 2 दिन टाइम है। हम उसको देखने के लिए आए हैं कि फेस टू फेस देखने में उसकी कलर कैसी लगती है, उसी को देखने के लिए हम आए हैं। और कुछ पैसे भी हमें पेड करने हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बताइएगा कि ये गाड़ी कैसी लगी आपको। तो गाइस चलिए देखते हैं गाड़ी। ये बलेनो वाइट कलर, और ये इग्निस है, नेक्सा इग्निस, और उधर भी बलेनो है, और मेरे साले साहब हैं रंजीत। ऐसा भी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को देखने के लिए, बलेनो को, और जिनसे हमारी बात हुई वो भी हमारे साथ ही हैं। और हम फिलहाल बलेनो में ही बैठे हुए भी हैं, क्योंकि उनके पास भी बलेनो ही गाड़ी है। स्टोर है, स्टोर में पहुंच गए पूरी गाड़ी। तो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। हाँ, रिमोट वाला तो देखी लग रहा है ना। ऐसा हमारी गाड़ी मिल चुकी है, कराया था वो गाड़ी। हम एक्चुअली यूट्यूब भी चलाते हैं ना, भैया आ गए कहाँ पे आप? मेन रूम में, चलिए हम आ जाएंगे। हाँ भैया, इसलिए रहता है, गैप रहता है आजकल सारी गाड़ियों में, क्योंकि पहले जब गाड़ियाँ जब पहले गाड़ी कभी डैश होती थी यानी एक्सीडेंट होता था, ये पूरा पैक्ड होता था, तो यहाँ से जब अंदर घुसता था
तो ये अंदर घुसता था और जो स्टेयरिंग होती थी वो अंदर घुसती थी, तो जो जब ड्राइवर चलाते थे ना उनके सीने पे चोट लगती थी। अच्छा। बस अब जो टेक्नोलॉजी हो गई है ना कि कभी आपका डैश होता है ना तो नीचे जो स्पेस आपकी इंजन आपका नीचे पुल डाउन हो जाता है, ठीक है। जब नीचे इंजन पुल डाउन होता है ये स्पेस जो है आपकी वैकेंट हो जाती है, ठीक है। जब वैकेंट हो जाती है, जब एनर्जी ट्रांसमिट करती है, तो जब वैकेंट स्पेस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं जाके इमिट हो जाती है, माने खत्म हो जाती है। हल्का हल्का कोई झटका लगता है बट कोई इंजरी बहुत बड़ी कॉज नहीं होती है, बाकी आपका बैग वगैरह रहता ही है। ये जो हम लोग अभी चेसिस प्रिंट लिया है ये रजिस्ट्रेशन में सबमिट होता है, डीटीओ का पेपर है, फॉर्म 2220 बोलते हैं इसको। इसमें गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है यहाँ पे एम्बेडेड किया जाता है, इसमें प्रिंट लिया जाता है, ये चेसिस नंबर यहाँ पे है, ये गाड़ी में यहाँ पर रहता है। पूरी गाड़ी की पहचान जो होती है ना, कोई भी कितना भी कुछ चेंज कर दे गाड़ी का, आपका बॉडी चेसिस नंबर चेसिस चेंज नहीं कर सकता है। तो ये रजिस्ट्रेशन में ये जमा होता है, इसमें जो कस्टमर्स होते हैं उनका सिग्नेचर होता है इसके, ठीक है। और जब भी कल कभी गाड़ी बेचिएगा आप अगर, तो आपको यही जो सिग्नेचर किए हैं यही सिग्नेचर वहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। नीचे सर कूलर जैसे गाड़ी के अंदर का लुक है, कैमरा है नहीं है ना उसमें, नहीं सबसे टॉप मॉडल में होता है। और लगाया हुआ है, लगाना पड़ेगा। अच्छा वो अंदर लगा था सामने, ये था ये नहीं, वो में नहीं ये था ना, तो उसमें वो था तो टॉप मॉडल लगा था, तो ये नहीं गए। तो गए हम लोग अपनी गाड़ी देखकर वापस शोरूम में आ चुके हैं और यहाँ पे हम कुछ पेमेंट करेंगे जो डीओ काटने के लिए, ताकि हमारे गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन के लिए चली जाएगी गाड़ी हमारी, और वहाँ से डीओ कट के आएगा तो हम जो है गाड़ी की डिलीवरी ले पाएंगे। तो डिलीवरी जो है दो दिन बाद होगा, क्योंकि इस बीच में जो है हमारा डीओ कटने के बाद गाड़ी का नंबर आ जाएगा, नंबर प्लेट आ जाएगा, उसके बाद ही जो है हम गाड़ी की डिलीवरी लेंगे, ताकि हमें रोड पर लाने में गाड़ी को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो गैस आपको हमारी गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फोटो लाएंगे सर?